वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं प्रकाश रैन साहू। तो दोस्तों, मैं आज हम लोग जा रहे हैं सुकाफा पार्क, जिसमें मैं रहूँगा और बाकी लोगों से मैं आपको बाद में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं, क्योंकि अभी लेट हो रहा है, अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30। दोस्तों करते हैं अब बाइक ऑन। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा, लेकिन ये रेस्टोरेंट थोड़ा सुंदर सा दिख रहा है, मतलब ढाबा रेस्टोरेंट जैसा है लेकिन सुंदर सा दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ये कैसा है। अभी हम यहाँ पर रुके हैं, ये वहाँ पे अपना बाइक और स्कूटी खड़ा कर दिए हैं, और ये रेलवे ट्रैक क्रॉस करके हम लोग को यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखा था बिरदुक करके, लेकिन ये बंद है अभी। तो अभी हम एक पेट्रोल पम्प में भी वैसे रुके थे, पेट्रोल पम्प में पेट्रोल ही ख़त्म हो गया था, बाइक और स्कूटी में पेट्रोल भरवाना है। तो अभी हमको भी भूख लग रहा है और हमारे बाइक स्कूटी को भी भूख लग रहा है, हम 6 को खाना खाना है। ओए मेरे को सेल्फी में कौन लेगा है, को अपने दोस्तों से मिलवा देते हैं जिनके साथ मैं अभी घूमने के लिए जा रहा हूँ सुकाफा पार्क। नहीं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सुकाफा पार्क ही जा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे साथ में है कुलदीप, और ये मनीष, और ये गितार्थो। हाय गाइस, ये सबसे अच्छा रिस्पांस गितार्थो की तरफ से मिला, बाकी सब चुप्पी साधे हुए हैं। और नहीं, कुलदीप भी हाय बोला है, मनीष शर्मा रहा है। हाय हाय। ये है अपना रेलवे ट्रैक ऐसे, और वहाँ पे गितार्थो थोड़ा सैर करने गया है। ये देखिए, ये ऐसे यहाँ झंडे लहरा रहे हैं, झंडे लहरा। अब आप बताइए, आपको आपका क्या, मतलब कैसा फील कर रहे हैं? थैंक यू गितार्थो फॉर रिकमेंडिंग दिस एरिया। तुम बताया था? हाँ, ओ पहले मतलब मैं ऐसे ढूंढ रहा था कि कौन सा मतलब जगह देखने के लायक है, तो देखना यहाँ पे कि लोग ऊपर सुकाफा पार्क नाम का कोई जगह है, तो इसे एक्सप्लोर किया था, बहुत अच्छा जगह निकल गया। हाँ, वैसे एक बार बताऊँ, मतलब थैंक्स फॉर फाइनलाइजिंग दिस, मतलब ना मेरे वो जो मैप्स में ना जो लोकेशन ही डाल के रखते कि यहाँ यहाँ आना है करके, तो एक मैप में मतलब मैं ड्रॉप यहाँ भी दे के रखा था। तो मेरा मतलब सेकेंड जगह पूरा हो गया, एक तो मतलब नेमाती घाट था, ठीक है, एक मतलब नेमाती घाट था, वो एक पूरा हो गया, और एक दूसरा ये क्या नाम था, ये सुकाफा पार्क, ये दूसरा विश लिस्ट अब पूरे होने चालू हो गया है। चुके हैं सुकाफा पार्क में, और ये है यहाँ पे सामने में एंट्री गेट, और वहाँ पे उन्होंने पीछे में बाइक लगा दी है। देखिए ये इसका एंट्रेंस असमीज में लिखा हुआ है। दोस्तों ये है ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ पर, और ये यहाँ से नीचे उतरना है अभी, ये यहाँ पे झोपड़ी बना हुआ है, वहाँ पे झूला है, ये हम यहाँ से उतर रहे हैं, स्टेप्स जैसा कुछ थोड़ा सा बना हुआ है लेकिन पानी से थोड़ा फिसल जाता है। दोस्तों अभी हम लोग कार पार्किंग के लिए पे कर रहे हैं, कैश खोज रहे हैं अपनी जेब में, और यहाँ पे 50 रुपये एक बाइक का पार्किंग है, मतलब कैन यू बिलीव इट गाइस, मतलब 50 रुपीज़ एक बाइक स्कूटी पार्किंग, तो नो टोटल 100 रुपीज़ लग रहा है। और मतलब मॉल में लोग करोड़ों रुपये खर्चा करते हैं, ठीक है, तब वहाँ पर 20 रुपये पार्किंग लेता है कार का, या फिर 30 रुपये, यहाँ पे मतलब एक बाइक का 50 रुपये ले रहा है। कार का कितना है पार्किंग? ओए सुनना सुनना, कार का पार्किंग पूछना कितना है, कार का पार्किंग कितना है पूछना। हाँ दोस्तों, कार पार्किंग का 100 रुपीज़ चार्ज है। ये लगता है लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं ना, इतना ये हम लोग का इसी पार्किंग का पैसा से ही चिकन विकन बना के खाते रहता लगता है। हमको जीपे मिल गया है। जियो का नेटवर्क मिल रहा है, तो आप ये समझ जाइए जियो का सिम बहुत अच्छा है। एयरटेल स्विच मारते रहता है 4G, 5G, 4G, 3G, 2G में, और VI तो ठीक है, जहाँ नेटवर्क मिलता है मिलता है, बहुत अच्छा स्पीड चलता है, लेकिन जहाँ नहीं मिलता वहाँ 2G मिलता है, नहीं तो नेटवर्क गायब हो जाता है। कैमरा में तो तेरा UPI कोड दिख गया, पैसा सब देगा, पैसा ज्यादा नहीं है मेरा, वो मैंने वो पैसा दे दे हवा में, बोलो कि एयरटेल सिम ले को, मैं खुशी की लहर, उसको पे नहीं करना पड़ा, मरीज बस गया, इसलिए VI का सिम लेना फायदा भी रहता है कभी कभार। ये 30 रुपये से पार्किंग चालू है, 30, 50, 100, 200, उसके बाद क्या है, 200 के बाद क्या है, 200 के बाद 500, फिर 1000, 1500, 3000, 1500, 3000, मतलब कोई ट्रक लेके आएगा 3000 रुपये पार्किंग।
एक्स्ट्रा कुटना भी चाहिए इतना ऊपर जैसे तैसे 100 रुपये था वे केस। हाँ वही तो, ये 10 दिया हम 2 रुपये दिया 30। चलो दोस्तों अब चलते हैं। तुम लास्ट तक जाएगा? हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो जाएगा जाएगा, आया है जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए आपको पता है? ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे। मनीष मनीष देख, मनीष एक तरफ वेट मजा डालना। अब मेरी तरफ कोई हल्का बैठना। इतना डर रहा है मनीष के पैर कांप रहे हैं। ऐसे अच्छा तुम, मैं उधर जाता हूँ। ये बोर्ड का ना लेफ्ट साइड मतलब खराब है, ऐसे लेफ्ट साइड मुड़ी नहीं रहा। घुमा घुमा घुमा। तो ये हम लोग का कॉलेज का ब्रिज भी ऐसी कुछ है, हम लोग उसका बहुत अच्छा नाम रखा हुआ है। और ये देखो, ये है व्यूअर, क्या बोलते हैं, व्यू वाला जगह। यहाँ से खड़े होकर व्यू देख सकता है, ये देख सकते हैं। अबे यहाँ पे मगरमच्छ नहीं है, अबे एक बार मनीष को फेंक देते फिर एक मगरमच्छ आ जाएगा तालाब में। हम ही होगा ना वो। हाँ भाई, तो तुम ही हो मगरमच्छ। हाँ वही तो, तभी तो वो जाएगा, तभी तो कोड बाहर निकलेगा। आगे घुमा 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 घुमा, देख निकल गया ना, देख कुलदीप पूरा घुसने वाला था अभी, अबे वो वहीं से उतर के चले जाता है। वीडियो अच्छा आएगा, बचे बचे। हो गया ना, देखा सही कर रहा था ना। वो वहाँ पे जाके तगड़ा जाएगा, वो घुमा घुमा पूरा घुमा। दोस्तों मनीष चल रहा है आगे आगे, और देखिए यहाँ पे वैसे स्टेप्स बना हुआ है, और वो वहाँ पे झोपड़ी है। चलो झोपड़ी में बैठते, चलो आ जा। ये झोपड़ी है, गिटार तो अकेले अकेले वहां जाते हुए। ओ गिटार तो व्लॉग्स ऐसे बोल रहा था क्या? हाँ गिटार तो व्लॉगिंग चैनल। आ हा, हाँ वो इधर उधर का ही वीडियो बनाना पड़ता है। अभी गिटार तो यहाँ पे बोल रहा था, व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, और बोल रहा था गाइस दिस इज एयर, गाइस दिस इज स्टेयर केस। तेरा सब्सक्राइबर घटा दूंगा मैं, मेरी -10 काट इसको। हां -10 -10 कोई काट दूंगा सब्सक्राइबर। ओ वहां से वो तालाब, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय सब्सक्राइबर्स। यस वहां से वो तालाब भी दिखेगा, बढ़िया है। दोस्तों हम चल रहे हैं, हम थक रहे हैं, हमको थकान हो रहा है। सुन ये सब मेरा व्लॉग ना प्रोफेसर सुन भी देखता है। ओ भी क्या लग रहा है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या लग रहा है, ये तो सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है। हाँ वही तो, बाबा क्या लग रहा है अभी। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, हम यहाँ से कहाँ जाएं, हम तेरी बाहों में मर जाएं हम। तो भारी सरमान है, एक बार देख ले कैमरा में, तब से नहीं देखा। ये कैसी जगह आ गए हैं हम, यहाँ पर है अभी और एक हिल एरिया था, वहाँ पे भी हम चढ़ गए ऊपर और सभी वीडियो शूट कर, क्योंकि यहाँ का सीन बहुत ज़्यादा सुंदर है।
एज यूजुअल मैंने आपको बता चुका है कि YouTube में जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं उसमें उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइव एक्सपीरियंस बहुत अलग चीज़ होता है। तो बहुत सुंदर एरिया है ये, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर विज़िट करिए। ये छोटा सा रेस्टोरेंट था, अभी तो नहीं खुला हुआ है, खुलता भी है कि नहीं आई डोंट नो। सो ये देखिए, यहाँ पे ऐसे सिटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, आपको जो करने का मन है यहाँ पे कर सकते हैं, खाना पीना, चिल करना। और ये देखिए यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है, बंदर की तरह चढ़ भी सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर ऐसे ये बना हुआ है, कुलदीप, यस कुलदीप, यस, गो 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 इनसाइड, आई विल कम। सो नाउ गाइस, आई एम स्टेपिंग इन, निकल रहे हैं वापस, क्योंकि अभी हो रहा है 4:48 हो रहा है एक्चुअली शाम का। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस, और किताब तो वहाँ पीछे में वीडियो शूट वगैरह कर रहा है, फोटो शूट कर रहा है, क्या पता, देखते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, मतलब दिख ही जाएगा वीडियो के एंड में। वही एंट्री गेट जो कि अब बन गया हम लोगों के लिए एग्जिट गेट, और ये यहाँ पे तोप का पिक्चर बना हुआ है, यहाँ पे तलवार और ढाल है, और ये हम चलते हैं अपने वापस बाइक और स्कूटी की ओर, बुल्ट की तरफ, बुल्ट बुल्ट, इट्स माय हेलमेट।